मैं चिकन चीज़ी ब्रेड क्यूब बना रही हूँ। उसके लिए मैंने एक बड़ा बॉयल बटाटा लिया है, आलू ले लिया है, बड़ा साइज़ का एक आलू लेके मैंने उसको बॉयल करके मैश कर लिया है। और मैं अभी उसमें ये देखे कैबेज है एक कप जितनी, और एक मीडियम साइज़ का मैंने गाजर लिया है, उसको भी मैंने ग्रेट कर लिया है, और एक शिमला मिर्च है, उसको मैंने इस तरीके का बारीक बारीक कट चॉप कर लिया है। अब मैं ये आलू में ये तीनों चीज़ इसमें ऐड कर दूंगी। इसमें बॉईल किया हुआ और श्रेड किया हुआ चिकन ऐड कर दूंगी। चिकन में भी मैंने अदरक लहसुन और नमक डालकर इसको बॉईल करके इसको श्रेड कर लिया है, वो भी मैं एक कप इसमें डाल दूंगी। और चिकन में तो मैंने नमक डाला था, लेकिन सब्ज़ी में मैंने नमक नहीं डाला है, तो इसके लिए सॉल्ट जो है हम अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। 1 टीस्पून जितना मैं ऑरिगैनो डाल दूंगी। वन टेबल स्पून जितना मैं सॉस डाल दूंगी, टमाटो सॉस। झटपट से बन जाने वाली एकदम यूनिक रेसिपी है। वन टेबल स्पून जितना मैं शेजवान सॉस डाल दूंगी और इसको मैं मिक्स कर लूंगी। देखिए ये मिक्सचर को मैं अच्छी तरह से इसको पूरे अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें 1/2 कप जितना मोज़रेला चीज़ डाल दूंगी। ये मैंने मोज़रेला चीज़ डाल दिया इसमें, इसको भी मैं भी मिक्स कर दूंगी इस मिक्सचर को इसमें। और अब हम आगे का प्रोसीजर बताएं। मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर दिया है, मैंने हाथ को ऑयल से ग्रीस कर दिया है। अब मैं ये थोड़ा सा मिक्सचर ले लूँगी, हाथ पे इस तरीके से मैं इसको अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी। छोटे छोटे बॉल्स बनाने हमको। इसमें मैं थोड़ा सा मेयोनीज डाल दूँगी। देखिए मैं मेयोनीज डाल दूंगी इसमें थोड़ा सा बीच में, और मैं अभी इसको अच्छी तरीके से इसको कोट बंद कर देंगे, इसको बॉल का शेप दे देंगे। ये देखिए ऐसा अच्छे से हम लोग इसको इस तरीके से इसको हम लोग ऐसे बॉल का शेप दे देंगे, ताकि अच्छे से मेयोनीज अंदर छुप जाए। इस तरीके से मैं सारे बॉल्स बना लूँगी। एक और मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाना है। ये देखिए मैंने हाथ को ऑयल ग्रीस किया है, एक पोर्शन ले लिया इतना सा मैंने, इसको मैंने ऐसे फैला दिया, ऐसे स्प्रेड कर दिया है। फिर मैं ये मेयोनीज इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा बीच में, और अब इसको मैं अच्छे से कवर कर दूँगी और इसका एक अच्छे से बॉल बना देंगी। इस तरीके से मैं इसको बॉल बना लूँगी। मैं इसी तरीके से सारे बॉल्स बना के ले लूँगी। स्लाइस ले ली है। अब मैं इसके साइड के जो कोर रहते हैं ना, वो साइड के पूरे कोने में चारों तरफ से काट लूँगी। ये देखो चारों साइड में इसको काट लूँगी इस तरीके से। चारों साइड काट के बीच में से देखिए मैं इसके 4 स्क्वायर करके ऐसे टुकड़े कर दूंगी ब्रेड को। ये देखिए
इस तरीके से मैं इसके पीसेस कर लूँगी ब्रेड के। काट लिए हैं चारों कोने, काट लिए और इसके भी मैं चार ऐसे स्लाइस कर लूँगी। इस तरीके से मैं इसके अभी ये टुकड़े कर लूँगी, सब ब्रेड के मैं ऐसे टुकड़े कर लूँगी। और अब आपको मैं बताती हूँ क्या करना है। मैंने ब्रेड ले लिया है इसको, अब मैं ये जो बॉल्स आपके सामने जो बनाई थी, ये बॉल्स मैं इसके ऊपर ब्रेड के ऊपर इस तरीके से ये रख लूँगी। रख के ये बॉल फिर ये मैं इसके ऊपर ये दूसरा वाला ब्रेड ऐसे रखूँगी और इसको हम अच्छे से इसको ऐसे प्रेस करेंगे। देखिए इस तरीके से, इस तरीके से हम इसको अच्छे से ऐसे, ये देखिए इसको ऐसे हम लोग टुकड़ा ब्रेड का ले लिया है। अब मैं इसमें ये एक बॉल रख दूंगी जो मैंने बनाए हैं, फिर मैं एक स्लाइस फिर से एक ले लूँगी और इसी तरीके से हम इसको अच्छे से प्रेस करेंगे अच्छे से, और साइड को ऐसा परफेक्टली ऐसे प्रेस करके अंदर ऐसे बाहर ना आ जाए चारों तरफ से। इस तरीके से हम इसको अच्छे से ऐसे इस तरीके से देखिए मैंने सारे बना लूँगी मैं अभी इस तरीके से और आपको बताऊँगी। ये देखिए मैंने इसको सबको बना लिया है, अब मैं आगे का बताऊँगी प्रोसीजर भी। इसमें आधा कप मैदा डाल दूँगी, टू टीस्पून जितना मैं इसमें कॉर्नफ्लोर डाल दूँगी, सॉल्ट डाल दूँगी थोड़ा सा स्वाद अनुसार, कुटी लाल मिर्च 1/4 टीस्पून, मैं काली मिर्च पाउडर डाल दूँगी 1/4 टीस्पून, कुटी हुई लाल चिली फ्लेक्स डाल दूँगी 1/4 टीस्पून। और अब मैं इसको थोड़ा सा पानी डालूँगी इसमें और मैं इसका एक अच्छे से स्लरी जैसी बना दूंगी इसकी मैं, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालेंगे। जैसे मैंने इसकी स्लरी बना दी, इसमें कोई लम्स नहीं है, अच्छे तरीके से इसका ऐसा बना देंगे बैटर। और ये मैंने ब्रेड क्रम्ब लिया है, अब मैं ये एक पीस ब्रेड का लूँगी और मैं इस स्लरी में इसको डिप कर लेंगे चारों तरफ से अच्छे से। इस तरीके से हम अच्छे से इसको डिप कर देंगे। इसको डिप करने के बाद फिर हम ब्रेड क्रम्ब में इसको अच्छे से कोट कर देंगे। ये देखिए फिर से मैं आपको एक और बता देती हूँ, ये मैंने ब्रेड का ये लिया, ये मैंने अभी इसमें इस तरीके से हमने इसको अच्छे से चारों तरफ से ऐसे इसको अच्छे से डिप करके अच्छे तरीके से हमने इसको कोट कर लिया है। फिर मैं इसको ब्रेड क्रम्ब में डाल दूँगी, इस तरीके से हम इसको कोट कर देंगे। इसी तरीके से मैं सारे करके आपको बताती हूँ। तरीके से मैंने सारे बना लिए हैं ब्रेड क्यूब्स, अब हम इसको फ्राई करने को रख दिया था, अब मैं ये एक एक करके इसमें डाल दूँगी। लो मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। इसको टच नहीं करना है ज़रा भी, एक साइड से गोल्डन हो जाएंगे तो हम इसको फिर टर्न कर लेंगे।
देखिए एक साइड से हो चुके हैं। अब हमने इसको टर्न कर दिए। लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। टर्न करते जाएंगे और हम इसको लाइट गोल्डन होने तक इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बहुत ही झटपट तैयार हो जाने वाली मेरी ये रेसिपी है। देखिए किस तरीके से अच्छे से ये गोल्डन फ्राई हो चुका है। मैं अब इसको निकाल दूंगी और इसी तरीके से मैं सारे फ्राई कर लूंगी। तरीके से गोल्डन फ्राई हो चुका है। अब मैं ये निकाल के इसके सारे इसी तरीके से मैं इसको फ्राई कर लूँगी और फिर आपको डिश आउट करके मैं बताती हूँ। मैं अभी इसको आपको तोड़कर बताती हूँ ये कितना क्रिस्पी क्रंची और चीज़ी है। देखिए चीज़ अंदर मायोनीज़ भी डाला है मैंने। ये देखिए किस तरीके से ये कैसे बना है। बहुत ही यम्मी है, डिलीशियस है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। मेरी चीज़ी चिकन ब्रेड क्यूब्स रेडी हो गए हैं। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी तो मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और रशीद रूही किचन ब्लॉग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली हर रेसिपी की अपडेट आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकअल्लाह। दुआ में ज़रूर 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 याद रखिएगा। Bye.